साथियों, आप मुंबई के लोग रफ्तार की कीमत सबसे ज्यादा समझते हैं। भारत के साथ आजाद हुए कितने ही देश हमसे आगे निकल गए, हम क्या किसी से कम थे? फिर कमी कहां थी? कमी उस सरकार में थी जिसने भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और मैंने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं, और मैं आप सबको कहूंगा, मुंबई वालों को, कि YouTube पर जाकर के लाल किले से अब तक कौन प्रधानमंत्री क्या बोले हैं सारा अवेलेबल है। आप हैरान हो जाएंगे, एक वो भी वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हम भारतीयों को आलसी कहकर पुकारते थे। जिन सरकारों की सोच ऐसी रही हो, वो देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आज पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। आजादी के बाद भारत की सभी व्यवस्थाओं का जो कांग्रेसीकरण हुआ, उसने देश के 5 दशक बर्बाद किए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ तो भारत दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था था। हम दुनिया में नंबर 6 पर थे, और 2014 में जब कांग्रेस गई और हमें जब सत्ता सुपुर्द की, तब देश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से 11 नंबर पहुंच गई थी। ये इन्होंने काम करके गए हैं। और जब से आपने इस सेवक को काम दिया, 10 साल में आज देश दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन करके खड़ा है। आज भारत में, मुंबई में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और मेरी गारंटी है कि कुछ ही सालों में, जब मैं आपके बीच आऊंगा, तो हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके होंगे। और मैं आपको भी गारंटी देने आया हूं, और मैं आपके बच्चों के लिए विश्वास लेकर के आया हूं। मैं आपको विकसित भारत देकर जाने वाला हूं।
और इसलिए मोदी 24/7 फॉर 2047 के मंत्र के साथ हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम जी जान से जुटा है।